पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने पहुंचे सपा नेता आजम खान ने मीडिया के सामने कहा कि बकरी चोर हाजिर है। उन्होंने अपने ऊपर लगे मुर्गी बकरी भैंस और किताब चोरी के मुकदमों पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश के गृह मंत्रालय ने मुझे देश का माफिया नंबर वन बना दिया है। मैं एक यूनिवर्सिटी और 4 स्कूलों का फाउंडर हूँ, 10 बार का एमएलए और 2 बार का सांसद और 4 बार मंत्री भी रहा हूँ। आजम ने तंज कसा कि जो गृह मंत्रालय मुझे देश का माफिया नंबर वन समझता है, वो भला देश की सरहदों की सुरक्षा कैसे कर सकता है। मुजरिम हाजिर है, मुलजिम बल्कि मुजरिम नहीं, मुलजिम हाजिर है और ऐसा मुलजिम है जो बकरी का डकैत है, मुर्गी का डकैत है, भैंस का डकैत है, किताबों का डकैत है, फर्नीचर का डकैत है और ऐसा डकैत है जिसने मंत्री रहते हुए 4थी बार मंत्री, 9वीं बार एमएलए, अब 10वीं बार एमएलए, 2 बार का एमपी, लीडर अपोजिशन, बीवी असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 बार की, 1 बार राज्यसभा और 1 बार विधानसभा की सदस्य, मेरा बेटा जो गलगोटिया से एमटेक पास, 2वीं बार का एमएलए, लेकिन हमने सबने मिलकर मिनिस्टर रहते हुए शराब की दुकान लूटी, डाका मारा और 16,900 रुपये गले से लूट कर ले गए। शराब की बोतल देखिए और शराब की बोतलें देखिए, स्तर हमारी व्यवस्था का, हमारे राजनेताओं का स्तर देखिए, विचारों का स्तर देखिए। पहले नंबर का माफिया, यूनिवर्सिटी का फाउंडर, बच्चों के सीबीएसई बोर्ड के 4 स्कूल चलाने वाला फाउंडर, माफिया नंबर 1 देश का। जिस गृह मंत्रालय को ये मालूम है कि मैं माफिया नंबर 1 हूँ, देश की सरहदों की रखवाली कैसे करेंगे? क्या है इंटेलिजेंस? कहाँ इंटेलिजेंस सर? मुझे फांसी पर चढ़ाने के लिए देश के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड। अरे भाई, कारण बकरी डकैत हूँ, मामूली कारण है, यूनिवर्सिटी का फाउंडर हूँ, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? यह है गुनाह मेरा कि मैं कलम देना हाथ में चाहता हूँ? आप पेंचकस देना चाहते हैं, गाड़ियाँ सही करें, पंक्चर ठीक करें। अंधा हूँ, दिखता ही नहीं, बहरा हूँ, सुनाई नहीं देता, गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, लिहाजा एक अंधे को, एक गूंगे को, एक बहरे को क्या राजनीति दिखाई देगी? नूपुर शर्मा के मामले में जो अरे उसने पहले वो तो कह लें, बाद में हम कहेंगे। जितना उन्होंने कहा है वो क्या कम है? मजहबी दिलाजारी की ये रिवायत क्या सही है? क्या यही धर्मों और मजहबों का संदेश है? क्या यही संस्कार हैं और उस पर फख्र है लोगों को? उदयपुर की घटना को लेकर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता और इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता कि दूसरों की सफों में खड़े होकर अपने मजहब को बदनाम किया जाए। ये साबित हो गया कि वो बीजेपी और आरएसएस का आदमी था, और कैसे साबित होगा? पब्लिक टीवी आपकी आवाज।